मुरादाबाद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी से घर लौट रहे एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने लूटपाट की और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मालीपुर का रहने वाला दुपेंदर धारीवाल शहर के कड़घर थाना क्षेत्र के गागन पर स्थित एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इस बीच दुपेंदर रात्रि में ड्यूटी कर अपनी स्कूटी से घर वापस आ रहा था। आरोप है कि गिन्नौर दमाफी गांव के पास एक बाइक पर सवार दो अज्ञात लोगों ने उसकी स्कूटी को रोका और चाकू और रॉड से हमला कर घायल कर दिया। उसके हाथ से सोने का कड़ा और मोबाइल लूट कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जब सिक्योरिटी गार्ड के परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। घायल हालत में सिक्योरिटी गार्ड को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई लूट की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायल से मामले की जानकारी ली। हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है ये, थाना पागबाड़ा क्षेत्र में गांव वापस जा रहा था 10 बजे के आसपास, और इसका कहना है कि रास्ते में दो लोगों ने अचानक इस पर हमला कर दिया चाकू और रॉड से। इसके इंजरीज हैं, हाथों में कुछ चाकू की इंजरी है। इसका कहना है कि जब दो जो लोग आए उन्होंने इससे एक इसका कड़ा था हाथ में, वो एक तो मोबाइल को ले गए हैं। पैसे इत्यादि इससे नहीं लिए हैं, इसके बाद स्कूटी थी वो भी नहीं ली गई, और इसके बाद अपने घर गया है ये। बाद में इसने सूचना दी, पुलिस ने जाके अभी देखा है, अभी घटना का निरीक्षण किया जा रहा है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, जो भी होगा उस घटना का निवारण किया जाएगा। फिलहाल घायल का डॉक्टरों द्वारा उपचार चल रहा है।